Vicky? Hey, Vicky. In a way, it's good. Kareem ka accident ho gaya. Kareem? Kaun Kareem? Wohi, jiska aaj baju kat gaya. Hadd hai yaar. Tujhe to mazdooron ke naam bhi yaad ho gaye. Vicky, ye jo chhoti-chhoti baatein hai na, in chote logon ke liye bahut maane rakhti hai. Tere ghar mein driver hai, dhobi hai. Aaj tak tune kabhi unhe naam se bulaya? Ek baar apne driver ko naam se bula ke dekho. Ek jayega re, gulam ho jayega tera. Itna hi kaafi hai ki uske malik ne use naam se bulaya. Wo apne naam se pehchana kya? Yaar, tu to bahut pahuncha hua aadmi nikla. These are the tricks of the trade, beta. Mauke ka fayda uthana. Ye jo haath kata hai na, ye Kareem ka nahi, Vipin Lal ka kata hai. Wo kaise? Batata hu. कल जब तू फैक्ट्री आ रहा होगा ना सेठ जी, आपसे एक बात करनी. कहो. करीम का हाथ कट गया सेठ जी, आप जानते हैं ना? हाँ, किसी वर्कर का हाथ कट गया था कल. जी हाँ, वही करीम. क्या उसके हाथ की कीमत सिर्फ 2000 रुपए? तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करीम के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बेटी है जिसकी वो शादी करना चाहता है, उसके अलावा बूढ़ी माँ है, बीवी है, और हो सकता है तो महीने और लग जाए करीम को वापस लौटते हो अस्पताल से. मैं क्या करूँ? सिर्फ इतना कर दीजिए सेठ जी कि जब करीम वापस लौटे उसे नौकरी पर रख दिया जाए और फिलहाल 5000 रुपए उसके घर वालों को दे दिए जाए. रुपया पेड़ों पर नहीं उगता कि जितना मांगो मिल जाएगा. और हाथ भी पेड़ों पर नहीं उगते हैं सेठ जी, की एक कट जाए तो दूसरा लग जाए. और जिन हाथों ने मेहनत करके आपको रोटी खिलाई है, हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए. हमने वही किया जो कानून है. कानून ने उसे 2000 रुपए मिलने चाहिए थे, वो दे दिए. तो एक बात याद रखिए सेठ जी, आप भी हर रोज यहां से गुजरते हैं, किस दिन किसी भी मशीन का फल्ला आप पर गिर सकता. और अगर बदकिस्मती से आपके दोनों बाजू कट जाएं, तो फिक्र मत कीजिएगा, हम लोग सब मिलकर चंदा इकट्ठा करके आपको 4000 रुपए दे देंगे. तो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? धमकी वमकी मैं नहीं जानता सेठ जी, सिर्फ इतना जानता हूं अगर करीम को 5000 रुपए नहीं मिले तो आपको आपके बाजू की कीमत मिल जाएगी. हो सके तो बीमा करा लीजिएगा. बीमा तुम लोग अपना करा लो, ये कंपनी तुम्हारी जिम्मेवार है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बीवी बच्चों के नहीं. अंडरस्टैंड? अरे ये सब क्या है? क्या है ये सब? हटो हटो, झगड़ा कैसा कर रहा है? झगड़ा नहीं, एक मजदूर का हक मांग रहा था. ये काम तुम्हारा नहीं है, यूनियन का है. क्या किया यूनियन ने? जैना की करीम को 2000 रुपए दिला के उसकी छुट्टी करवा दी. जो कानून है वही तो होगा. कानून किसने बनाया? तुमने, इसने, इन्होंने, मजदूरों ने? तुम क्या समझते हो मालिक ऐसे ही 5000 रुपए दे देगा? अरे मजदूरों के हक के लिए अगर मालिक तो क्या, मुझे सारी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो लड़ पड़ूंगा. हाँ हाँ भाई लड़ो, मगर लड़ने का भी कोई तरीका होता है. ये क्या हो रहा है? विपन बाबू, ये सब क्या हो रहा है? काम पर भेजिए सब वर्कर्स को, ये कोई छुट्टी का वक्त नहीं है. और हाँ, सेठ जी ने करीम के लिए 5000 रुपए और नौकरी की बहाली भी मंजूर कर ली है.